आज से देश भर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, जहां देश के कई राज्यों से शिव भक्त कंधे पर गंगा जल लेकर भगवान शिव की शिवलिंग पर जलाभिषेक करने रवाना हो चुके हैं। बता दें, पारंपरिक कांवड़ यात्रा को लेकर सावन के पहले ही दिन हैरान कर देने वाली एक वीडियो सामने आई, जहां एक युवक ने कुछ ऐसा किया कि अब वह श्रवण कुमार कहलाने लगा है। इससे पहले कि हम आपको पूरा मामला बताएं, जरा ये वीडियो देखिए। दरअसल यह युवक हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी मां को लेकर गया था। युवक ने अपनी बूढ़ी मां को अपने कंधों पर रखकर यात्रा की। इतना ही नहीं, उसने दूसरी ओर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए गंगा जल भी रखा है। वीडियो में आप देख सकते हैं, एक कंधे पर बूढ़ी मां तो दूसरे कंधे पर गंगा जल लिए कांवड़ यात्रा कर रहे इस युवक का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक की पहचान राम कुमार के तौर पर बताई जा रही है। जब राम कुमार से अपनी मां के प्रति इस श्रद्धा के बारे में पूछा गया, तो उसके जवाब ने सबको हैरान कर दिया। बता दें, राम कुमार का कहना है कि उसे ये शक्ति भगवान दे रहे हैं। वह अब तक 150 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। आगे राम कुमार ने अपनी बूढ़ी माँ को एक कंधे पर और गंगा जल को दूसरे कंधे पर लेकर ही अपनी पूरी यात्रा करने की बात कही है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।